नमस्कार दोस्तों, आप सभी का औषधि एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिंग गार्ड प्लस क्रीम के बारे में। इस क्रीम के बारे में आज हम आपको सारी जानकारी देंगे, इसका यूज, इसमें कौन सा कंटेंट मिलाया गया है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इसे कैसे लगाना है, कब लगाना है, आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, तभी आपको रिंग गार्ड प्लस के बारे में दोस्तों जानकारी मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर रोजाना दवा, घरेलू नुस्खे और हेल्थ ट्यूब संबंधी जानकारियाँ मिलेगी। यह जो रिंग गार्ड प्लस क्रीम है दोस्तों, एक ट्यूब में 12 ग्राम में आता है और इस 12 ग्राम का जो प्राइस है आपको 61.50 रुपये मिल जाएगा। यह दवा आपको सभी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें कौन सा कंटेंट मिला हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो है दो कंटेंट मिले हुए हैं। नंबर एक जो है माइकोनाजोल नाइट्रेट, नंबर टू जो है नियोमाइसिन सल्फेट। माइकोनाजोल एक एंटी फंगल ड्रग्स है और नियोमाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है। दोस्तों, इसका जो यूज है, किन बीमारियों में किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। यह जो है एक एंटी फंगल दवा है जो कि दांत खाज खुजली को ख़त्म करती है, कैंडिडा संक्रमण हो या फिर स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो, एथलीट फूट जैसी समस्या हो, सेनहुआ हो या फिर योनि में फंगल इन्फेक्शन हो, पेनिस में फंगल इन्फेक्शन हो, डर्मेटाइसिस जैसी समस्या हो या जो है शरीर में आपको कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, दांत खाज खुजली, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्द लाभ होगा। दोस्तों, इससे कैसे लगाना है और कब लगाना है उसके बारे में बात करते हैं। इसे जो है आपको दिन में दो बार लगाना है, एक बार सुबह एक बार शाम को लगाना है। आपको जहाँ पर दिक्कत हो, जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन हो, वहीं पर आप लगाएं। ध्यान दें दोस्तों, इस क्रीम का यूज़ जो है आप बाहरी त्वचा पर ही करें, इसे बच्चों से दूर रखें। दोस्तों, इसके लगाने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे लगाने से आपको जहाँ पर आप लगाएंगे वहाँ पर रेडनेस हो सकता है या पर जलन हो सकती है, ऐसी समस्या हो सकती है। अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या लगे तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।